परसेंटेज का मीनिंग आज हम लोग समझते हैं। परसेंटेज का मीनिंग ये होता है, इसमें ये देखिए, ये पर और सेंट से बना है, ठीक है। पर का मतलब होता है प्रति, कोई भी चीज़ को आप डिवाइडेड बाय कर दें या अपॉन कर दें उसको हम प्रति कहते हैं, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, मतलब कि 100। इसीलिए कभी भी पर सेंट जब भी हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप अपॉन 100 कर दीजिए, बस आपका परसेंटेज का मीनिंग आ जाता है। वन का मतलब 100% होता है, मतलब कि कंप्लीट होता है। जैसे हम 1/2 कहते हैं 50% हो जाता है। क्यों हो जाता है 50%? क्योंकि 1/2 एक फ्रैक्शन है, और जब हम फ्रैक्शन, आप देखिए 1/2 है, जब इसको हम 100 से गुना करते हैं तो ये पता चलता है कि ये हमारा 50% है, मतलब हाफ है। इसी तरीके से हम 1/3 की बात करते हैं तो ये 33 होल 1/3%, और ये 1/12 तक। आप ये एक टेबल है जो कि आपको, मतलब कि अगर आप हर दिन इसको प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो सकता है। अगली क्लास में हम इस पर समझेंगे कि कैसे हम इस पर, दो टाइप बनता है, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हैं और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं। दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज के। पहला कि जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना हो, सिंपल सी बात है कि आप फ्रैक्शन में 100 गुना करिए, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे कि 1/2 में 100 गुना किया 50%, 1/8 गुना किया 12 होल 1/2%। परसेंटेज बताना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, और फ्रैक्शन बताना हो तो 100 से डिवाइड करिए। मान लीजिए मुझे 300 नंबर आए 500 में, तो कितना परसेंट हुआ? तो 300/500, 100 से गुना कर दिया, 60% हो गया। उसी तरीके से जब हमें दूसरा टाइप है कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन बताना, आप खुद समझिए कि परसेंटेज का मतलब तो होता है अपॉन 100, प्रति 100 डिवाइड बाय 100। तो अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना हो, मतलब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, अब इसको खत्म करना है, बस ये बस मुझे मेरा फ्रैक्शन में आ जाए, तो जहां भी कहीं भी अगर परसेंटेज दिया हो और अगर उसको खत्म करना है, फ्रैक्शन में लाना है, मतलब परसेंटेज को गायब करना है, तो अपॉन 100 कर दीजिए। 37 होल 1/2% है, आप देखिए 75/2% हो, इस परसेंटेज को गायब करना है। तो नीचे यहां देखिए हमने 100 लेके आ गए, और ये हो गया 3/8, यहां से परसेंटेज गायब हो गया, हमें फ्रैक्शन में हमारा आंसर मिल गया। तो हमेशा दूसरा, दोनों टाइप ध्यान में रखा करिए।